चिकनकारी चादर। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो आपने देखा संदल का व्लॉग, कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना। अभी ना आपको चादर पोशी वाला व्लॉग दिखाने वाले हैं। अभी ना बस कुछ मिनट में जैसे कि हम जाएंगे तो वहाँ तक बोले तो स्टार्ट हो गया होगा, लेकिन अभी आपको दिखाने वाले हैं जो वहाँ का जो खादिम जो असल जो पीर साहब होते हैं ना, वो बोले तो उनका चादर आएगा एंड उसके बाद फिर आपका होली खेला जाएगा। ऐसे तो नहीं होता है, मतलब एक तरफ से रंग 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 खेला जाता है गाइस। मतलब खादिमों के द्वारा जितने जायरीन रहते हैं ना, उन सब के द्वारा बोले तो रंग खेला जाता है। मतलब वहाँ के जो कदीनशीन लोग रहते हैं ना, वो सब मिलके खेलते हैं। वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ, एडरेबल वाला चीज़ होने वाला है। एंड आफ्टर असर ना, असर की नमाज के बाद अभी आपको मिलाद खानी होगा। जो वहाँ के पीर हैं ना, मतलब गद्दीनशी, वो वहाँ पर बैठ के मिलाद खानी करेंगे और सब लोग रहेंगे चारों तरफ। कोई कुरान पढ़ेगा, कोई तिलावत करेगा, मतलब फाड़ू वाला सीन होने वाला गाइस। तो वो चीज़ें मैं दिखाने वाला अभी आपको। सो उसके बाद फिर आएगा मेला वाला, मतलब एक पर एक ब्लॉग होने वाला गाइस। तो अभी हम जस्ट यहाँ से निकलेंगे, फ्यू मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर नमाज असर वहीं पर ट्यूटोरियल दिखाने वाले पूरा बोले तो। ये जो ब्लॉग होना चादर पोशी वाला ब्लॉग होने वाला, बहुत हाई क्लास का। सो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक को भी मेरे को फॉलो कर लेना भाई, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, प्रिंस रेहान खान, ठीक है ना गाइस। वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो, तो अच्छी अच्छी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट वहाँ पे मिलता रहेगा गाइस। बस यहाँ पे निकले, एक्चुअली ना मैं ऊपर आया था भाई अपना कपड़ा देखने के लिए, ये सब कपड़े सूखने दिए हूँ गाइस। यहाँ से ना पूरा हेवी वाला सीन दिखता मेरे को। वहाँ पर देख सकते हो आप, बड़ा आसमान तारा, वो वाला बड़ा आसमान तारा। एंड ये सब कपड़े हमारे हैं भाई, अभी तक सूखे नहीं है गाइस, इसी चीज़ की वजह से ऊपर आए थे। बट कोई नहीं, अब रहने देते हैं इसको। अब चलते हैं मदाद के पास, वहाँ पे पूरा जितने भी सीन्स होते हैं ना, सब आपको दिखाने वाले हैं। तो कैसा लगे आप पूरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट लाइक करो यार, जस्ट फटाफट करो भाई। क्या कर रहे अम्मी, चलिएगा नहीं मज़ार शरीफ जाएंगे? देखिए अम्मी क्या कर रही है बाबा, मतलब रजौली इतना दूर से चल के मतलब बेदाना ये छीलने के लिए आई अम्मी। अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोले तो आपको क्या बोलते हैं, मिलाद खानी वगैरह होता है अम्मी। चलिए उधर चलिए। एक्चुअली ना काफ़ी लेट से सोए थे, इस वजह से ना मतलब रात भर तो जागी गए थे ना गाइस। इस वजह से कहाँ गया यार वो वाला टोपी, रात भर सोए नहीं थे, इस वजह से लेट से सोए, इस वजह से अभी जाने में लेट हो गया। तो फटाफट यहाँ से वजू करेंगे, वहाँ पे वजू खाना वजू करेंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। इत्तफाक की बात है, आप अगर किसी चीज़ में लेट रहते हो ना, तो लेट ही होता रहता भाई। ऑलमोस्ट लग रहा ना नमाज असर ख़त्म हो जाएगा, मतलब जमात मिल नहीं पाएगी उनको। गए थे पेशाब करने के लिए, बाथरूम हो गया भाई। एंड अभी भी ज़ायरीन आ ही रहे हैं भाई, देख रहे हो पहला दिन। ये रहा आपका उसका पहला दिन गाइस, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भाई रानीगंज बाबा शमसुद्दीन का। एंड इस टाइम अभी आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, बिकॉज अभी मेरे को फर्स्ट जमात पकड़ना है गाइस। देख रो तो अभी दुकानें लगी रही हैं भाई। कल रात में ना यहाँ पर से हम लोग फातह खानी कर रहे थे, क्योंकि उधर जगह नहीं मिला था मेरे को। जमात ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो हम भाई सिंगल नमाज़ पढ़े एंड अभी जाएँगे मज़ार के अंदर, ठीक है ना। एंड आज भी बोले तो फर्स्ट डे है, एंड आज भी गाड़ी का रूटीन जो है ना वो चालू है गाइस, आज तक लास्ट रहेगा मेरे को लग रहा है। जैसे कि जहाँ तहाँ ना थोके भाई। आप जूता जमा दे सकते हैं भाई, आप जमा देते हो ना, ये टोकन लेके जाना गाइस। आउट टोकन, आप वो अंदर नहीं जाना है गाइस। चप्पल दे रहे हो अगर जमा, तो टोकन लेके जाना है। तो फाइनली हम अब दरबार के अंदर जा रहे हैं। वहाँ से एक चादर आता है गद्दी नशीन का, वहाँ से चादर आता है गाइस। ये मस्जिद है और यहाँ जाते हैं, ये दरबार है, ठीक है ना। एंड गाइस फाइनली हम आ गए अंदर दरबार के अंदर। देख सकते हो भाई यहाँ पे शिरनी के लिए ना लोग लूटा मारी कर रहे हैं, मतलब टूट पड़ रहे भाई कि ये शिरनी फिर मिलेगा ही नहीं। हालांकि बहुत प्यार से वो बंदे जो बांट रहे ना, बहुत अच्छा से बांट रहे गाइस। देख सकते हो आपने यहाँ पर फातह खानी चादर पोशी स्टार्ट हो गया है। और बहुत खूबसूरत खूबसूरत वाला चाय मिलता है यहाँ पर, वो भी मैं नोश कर रहा हूँ। ये वीडियो जो देख रहे हैं ना आप, ये मज़ार शरीफ का वीडियो है गाइस। बहुत ही बारीक, बहुत ही रेयर केस में हम बनाए हैं, जस्ट ओनली फॉर यू गाइस कि आप अच्छे से देख पाओ। जो नहीं, हम अभी तक सोच में पड़े हुए, अभी तक खानकाही चादर नहीं दिखा गाइस, इसी वजह से हम मज़ारात के बाहर आए, लेकिन अभी तक नहीं। नॉर्मल चादर जा बड़ी गाइस, ये रहा आपका खानकाही चादर, देख रहे हो। अभी यहाँ से ना कव्वाल के साथ जाएगा ये, अभी इसके अंदर कव्वाली चलेगी, उसके बाद फिर हम लोग लेकर चादर उधर जाएंगे। चादर अभी गया है ना, होल्ड में रख दिया गया गाइस। पहले खानकाही चादर चढ़ेगा वहाँ पे, उसके बाद फिर सब चादर चढ़ेगा, जितने भी चादर गए हैं। नमाज असर के बाद ना यहाँ पे फातिहा खानी और मिलाद वगैरह होता है, उसके बाद फिर खानकाही चादर चढ़ती है, मतलब नमाज मगरिब के बाद। हमारा सरकारी चादर इस फाइनली थक के मैं भाई मस्जिद में आके बैठ गया हूँ, देख सकते हो ये, देख रहे हो ये मस्जिद है। कुछ बंदे उधर आराम कर रहे भाई। एंड फाइनली अब से ना बोले तो आफ्टर मगरिब खानकाही चादर के बाद आपका बोले तो जो आम पब्लिक का जो चादर होता है ना, वो स्टार्ट हो गया। एंड अभी हम आपको लेकर जाएंगे बाहर, चादर पोशी का जो मंज़र होता है ना, वो चीज़ें दिखाने के लिए। हर मोहल्ले का अलग अलग अंदाज में चादर पेश होता है गाइस, वो चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। इस टाइम ना माइक नहीं है मेरे पास यार, माइक तो गुम हो गया ना, इस वजह से मैं ज़्यादा क्राउड एरिया में कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। बोलूँगा तो फिर आवाज़ नहीं जाएगी, अब तक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया बट कोई नहीं। एंड गाइज हम अभी आउट कर रहे हैं यहाँ से, और बाहर का लोकेट दिखाऊँगा आपको, ठीक है ना। इधर से लोग आउट कर रहे हैं गाइस, एक्चुअली मच मोर क्राउड है भाई, मच मोर क्राउड है। लोग ना मतलब वो वाला महल्ला वाला जो होता है ना, वो वाला अभी तक सिस्टम आया नहीं है, वो आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अभी लोग जो दूर से आए ना ज़ायरीन, वो लोग भाई अपने अपने चादर पेश कर रहे हैं यहाँ पे। फिर से आ गए भाई, वो क्या बोलते हैं गाइज, हम फिर से आ गए वो मेला वाला मार्केट में गाइज। बहुत ऐसा मेला ना अभी तक नहीं लगा ना, वो आज के बाद हो सकता है, कल लगे, परसों लगे, मतलब लगने वाला है गाइज, देख रहे हो। मतलब कल ये सब दुकानें नहीं हुआ करती थी, आज ये सब दुकानें भी मेरे को दिखने को मिल रही है, देख रहे हो। कल से ज़्यादा बाहर मेरे को आज दिख रही है। एक्चुअली हम इधर आने वाले नहीं थे गाइस, मेरी एक फ्रेंड है, वो ना मेरे को इधर मतलब मिलने के लिए बुलाई है, वो ना विथ फैमिलीज़ के साथ वो यहाँ पे आई हुई है, इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर आपको रिटर्न बैक चादर पोशी की तरफ लेकर जाएंगे। ज़ायरीन अभी तक ना बोले तो चादर पोशी कर ही रहे हैं, वो गेट से निकल रहे हैं और जन्नती जो दरवाज़ा है ना, वहाँ से आउट कर रहे हैं, मतलब एग्जिट वो वाला दरवाज़ा हो रहा है। व्हाट ए क्राउड गाइज, देख रहे हो, मतलब ऑलमोस्ट रश आ गया भाई, ऑलमोस्ट मार्केट में रश आ गया, देख रहे हो। कंफ्यूज है भाई कि अभी तक गाड़ी क्यों नहीं बंद किया, तो फाइनली अब से गाड़ी बंद हो रहा है गाइस यहाँ पे, ठीक है। आप अगर आते हो ना तो दूरी में आपको खड़ा करना पड़ेगा अपना गाड़ी। गाइस फाइनली, बाप रे बाप क्या रश, बाप रे गाइस, अभी ना दिन ब दिन और रश बढ़ रहा भाई। जितना भी बोले ना कि आ ही रहा लोग बंद, अभी भी टोटो ऑटो अलग एकदम पूरा, आप बताया ना अभी जाके बंद हुआ क्या बोलते वो रूट, नहीं तो फिर मुकम्मल दिन भर अभी रात तक चालू था। लास्ट टाइम ये लोग रोड बंद किया, तो बहुत तगड़ा वाला एडोरेबल वाला सीन था। अभी हो सकता है फिर जाऊँ, लेकिन कम ही चांस लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गया भाई। ऑलमोस्ट 4:30 बजे से, और अभी आ रहा हूँ रात के 9:30 बजे अभी आ रहा हूँ भाई। अभी नमाज इशा पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी दबर वीडियो वगैरह ये वो लंघन, उसके वजह से खा लो। हाँ खा लेंगे, हमारी मामी जान आज यहीं नहीं, कल इनको लेकर चलेंगे, ठीक है ना। कल मेला घुमा देंगे, ठीक है ना वालदा, पक्का दोनों को, अम्मी वगैरह सब लोग। हाँ वहाँ करी, बट कोई नहीं, नेक्स्ट व्लॉग आपको ना मेला घुमाएंगे हम लोग, ठीक है ना। मामी सबको घुमाएंगे, परचेस करेंगे या फिर उसके बाद एक और व्लॉग तगड़ा वाला आएगा, जो वो बोले तो पूरा मैं बताऊंगा ट्यूटोरियल यहाँ का, ठीक है ना, किधर आप फ्री में रह सकते हो, किधर आप फ्री में खाना खा सकते हो, किधर आप मतलब कुछ बिना पैसे के, समझ रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फैम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने की कोशिश करना भाई, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो थैंक यू मैम।